बेसिकली आइडियल स्विच इज़ ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर यानी हम बात करें कि यार ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको हम टाइम एंड अगेन स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। आपने इसको अपनी स्टडीज़ के दौरान देखा होगा कि आपने आइडियल डायोड पढ़ा होगा। आइडियल डायोड ऑब्वियसली एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन ये है कि उसको स्टार्ट किया जाता है जब स्टडीज़ को, तो उसको एक आप स्टार्टिंग पॉइंट पे लेते हैं कि जी आइडियली डायोड क्या होगा, एंड देन वी इवेंचुअली ऐड डिफरेंट नॉन आइडियलिटीज़ या प्रैक्टिकलिटीज़ एंड एंड अप एट ए रियल डायोड। जो रियल वर्ल्ड डायोड है वो क्या चीज़ है। सिमिलरली इसी तरीके से आपने आइडियल ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि वी स्टार्ट विद एन आइडियल ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट कि जी आपका आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, और फिर हम उसके अंदर डिफरेंट आइडियालिटी को नॉन आइडियालिटीज़ इंक्लूड करते हैं, प्रैक्टिकल इशूज़ को कंसिडर करते हैं, एंड अप विद एन आइडियल ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट। सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन आइडियल स्विच की, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा डिस्कस, कि इसकी स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि वो क्या प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को जब हम पढ़ते हैं, तो कौन सी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन अगर हम अपने जहन में रखें, तो एट द एंड ऑफ द डे हम एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, रियल स्विच या रिस्ट्रिक्टेड स्विच जो है, उस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अब सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब ये ऑन स्टेट में होता है, इन ऑन स्टेट, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे ऑन स्टेट। तो जब इट ऑन स्टेट में होता है तो इट शुड हैव द एबिलिटी टू कैरी वेरी हाई करंट। तो पहली बात चीज़ जो है कि वेरी हाई करंट, जो बहुत हाई करंट जो है वो कैरी कर सकता हूँ, विदस्टैंड कर सकता हूँ। और अगर मैं आइडियल स्विच की बात करूँ तो दैट करंट वुड रीच अल्टीमेटली इनफाइनाइट करंट। ठीक है, ये पहली चीज़ है, यानी जो ऑन स्टेट के अंदर जो बात की जाती है कि वो आइडियल करंट जो है वो कैरी, आइडियली अगर आइडियल स्विच होगा तो इट विल कैरी वेरी हाई करंट, एंड अगर आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियलिटी तो इट मे रीच टू द इनफाइनाइट करंट। एक और चीज़ जो इसके अंदर होगी कि जो इसके ऊपर जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आता है, अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जी। ये क्या होता है, आपके पास कोई भी स्विच है, लेट सपोज ये स्विच है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई ड्रॉप हो रहा होता है, कोई ना कोई वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप होगी किसी भी बुनियाद। लेकिन अगर ये आइडियल स्विच है, अगर ये आइडियल स्विच है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप विल अल्टीमेटली रीच जीरो, देयर विल बी जीरो वोल्टेज ड्रॉप इन द स्विच, आइडियल वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। तो इस ये चीज़ एक और इम्प्लाई कर देती है, दैट इज कॉल्ड ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। ये चीज़ें निकाली है मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप से, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। अगर उसका ऑन फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जीरो है तो उसकी जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस होती है वो भी जीरो हो जाती है। देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, दे आर बेसिकली ऑब्वियसली एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो आप देखें कि आपका करंट इनफाइनाइट है, वोल्टेज जीरो है, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस जीरो है, ये है आइडियल जो स्विच है वो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी ऑफ स्टेट की बात करूं, ऑफ स्टेट में क्या होगा जी, तो ऑफ स्टेट में अगर मैं बात करूं तो ऑफ स्टेट में मेरा स्विच जो है वो इस तरीके से होता है, तो इसके ऊपर एक वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई फॉरवर्ड वोल्टेज। अब ये इसने वोल्टेज रोकनी है, विदस्टैंड करनी है, पास नहीं करनी है, वो तो उसने कर दी ऑन स्टेट में। आप देखिए यहाँ पे उसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं थी, सारी आगे बिजली थी, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर ऑन स्टेट में वेरी हाई फॉरवर्ड वोल्टेज
वोल्टेज हो, अब कितनी होगी, इनफाइनाइट वोल्टेजेस होगी। दैट्स द आइडियलिटीज वी आर कंसिडरिंग। और उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी से चीज़ को ओपन करते हैं और उसके ऊपर बड़ी हाई वोल्टेजेस आती हैं, तो ऑफ स्टेट करंट्स, ऑफ स्टेट लीकेज करंट्स, ये हर डिवाइस के अंदर होते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे। हम क्या चाहेंगे कि ऑफ स्टेट लीकेज करंट्स इसके ज़ीरो एम्स, दे शुड बी नो लीकेज करंट फ्लोइंग थ्रू। और इसकी ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस क्या होगी जी, तो मेरे लिहाज से चूँकि आप वोल्टेज और करंट को देख चुके हैं, तो यू विल ऑलवेज नो कि जिसकी ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस भी जो होगी वो इनफाइनाइट हो। ये आइडियल जो आप बात कर रहे हैं आइडियल स्विच की, ये उसकी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो ये इसकी तीन चीज़ें हमने हर स्टेट में कर ली हैं। इन द ऑन स्टेट इट्स करंट शुड बी वेरी हाई, हाउ मच हाई, इनफाइनाइट। ओके, सेकेंड पावर वोल्टेज ड्रॉप, इट विल बी जीरो वोल्ट्स। ऑन स्टेट रेजिस्टेंस जीरो। देन वी कम ऑन टू द ऑफ स्टेट, तो ऑफ स्टेट में आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है या जो जिस वोल्टेज को ये विदस्टैंड करता है या रोक लेता है, दैट इज इनफाइनाइट। ऑफ स्टेट में जो करंट लीकेज करंट्स हैं, दैट इज जीरो। एंड ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस जो है, दैट इज इनफाइनाइट। ये वो बेसिकली अगर हम देखें तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक आइडियल स्विच जो है वो पोजेस करता है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट में जब ये ट्रांजिशन करता है, तो उसको हम सर्टेन प्रोसेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आप देखें अब इन इन स्टेट्स के दरमियान, लेट सपोज अगर आपका स्विच ऑन स्टेट में है और ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, ट्रांजिशन करता है ऑफ स्टेट में, चला जाता है, सो इस प्रोसेस का नाम स्विच के लिए कहलाता है टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका स्विच ऑफ स्टेट में है तो ये ऑन स्टेट में चला जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्न ऑन प्रोसेस। अच्छा, अब ऑब्वियसली बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस विल इनकर सम टाइम, बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस विल इनकर सम टाइम। ठीक है, अगर आपके पास एक स्विच है तो उसे कुछ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाने में या ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने में, लेकिन आइडियल स्विच में क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइडियल स्विच में आपका टर्न ऑन टाइम विल बी ज़ीरो, टर्न ऑफ टाइम विल बी ज़ीरो। ठीक है, आपका आइडियल स्विच जो है वुड बेसिकली डू दिस प्रोसेसेस इन ज़ीरो टाइम। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन में ये बड़ा आइडियल एक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी, सेकंड अब क्या होगा जी, अच्छा टर्न ऑन टाइम हो गया, टर्न ऑफ टाइम हो गया, इसके बाद एक बड़ी चीज़ है कि कैन यू कंट्रोल द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ प्रोसेसेस, डू यू हैव द कंट्रोलेबिलिटी ऑन अ स्विच टू टर्न इट ऑन फर्स्ट एंड टू टर्न इट ऑफ। ठीक है ना, तो आप क्या आपके पास ये कंट्रोलेबिलिटी है कि आप स्विच को टर्न ऑन कर सकते हैं या टर्न ऑफ, तो ये आइडियल स्विच में आपके पास ये कैपेबिलिटी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्विच के अंदर ये आपके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये बड़ी एक इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आप एक स्विच की बात कर रहे हैं तो इट शुड हैव दी कैपेबिलिटी टू बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ। और अच्छा, ये कंट्रोलेबिलिटी जो आपने अचीव करनी है, इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
हाउ मच पावर शुड बी एक्सपेंडेड टू अचीव दिस कंट्रोलेबिलिटी, कितनी पावर आपकी एक्सपेंड होगी ये कंट्रोलेबिलिटी अचीव करना है, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं कह रहे हैं कि जी हाँ जी कर सकता है, तो कितनी पावर इनकर करेगा, कितनी पावर जो है इन्वॉल्व होगी। आइडियली देर शुड बी नो पावर, देर शुड बी नो पावर यूज्ड टू कंट्रोल दी स्टेट्स ऑफ स्विच। इसका टर्न ऑन और टर्न ऑफ जो है, इट वुड इनकर जीरो पावर टू टर्न इट ऑन और टर्न इट ऑफ, ठीक है। तो आपका जो टर्न ऑन करने के लिए जो सिग्नल इन्वॉल्व हो, जो टर्न ऑफ करने के लिए सिग्नल इन्वॉल्व हो, वो तकरीबन जीरो पावर ले, तो ये आपके लिए आइडियल है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास, एक और बड़ी चीज़। अब दो बड़ी अहम क्वांटिटीज जो है ना, मैं डिफाइन करना चाहूँगा और थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम जाके इसको क्लेरिफाई करेंगे। पहली चीज़ जो होती है, इसको हम कहते हैं DI/DT। सेकेंड जो चीज़ है आपके पास, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है DV/DT, ठीक है। आइडियल स्विच हो तो ये आपकी इनफाइनाइट होनी चाहिए, और DV/DT अगर आइडियल स्विच है तो इट शुड बी ऑल्सो इनफाइनाइट। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ठीक है ना। यानी ऑब्वियसली एक क्वेश्चन अराइज करता है कि ये हैं क्या चीज़ें, जो आपने ये डिस्कशन शुरू की है, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। मैं अब यानी हम चाहेंगे कि हम इसको डिस्कस करें कि ये क्या चीज़ें हैं। सो बिफोर वी गोइंग टू गो इन डिटेल्स एंड डिस्कस, आई वुड लाइक कि हम एक एक छोटी सी टाइमिंग डायग्राम इंक्लूड करते हैं। टाइमिंग डायग्राम, और इसके अंदर देखते हैं कि ये आया हम इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि टाइमिंग डायग्राम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ऑन द एक्स एक्सिस यू विल हैव द टाइम एज ए वेरिएबल, ठीक है। आपके पास यहाँ आ गया, और टाइम जो है आपके पास ऑन द एक्स एक्सिस होगा, इंडिपेंडेंट प्रोसेस। यहाँ पे हम लेंगे वोल्टेज, अब ये कौन सी वोल्टेज है, स्विच के ऊपर होती है, और यहाँ पे हम लेंगे करंट, ये कौन सा करंट है जो स्विच के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जी अगर हम एक आइडियल स्विच की टाइमिंग डायग्राम बनाएं, तो उसकी आइडियली वोल्टेज कुछ इस किस्म की होती है। ठीक है, और जो उसका करंट है, आइडियली उसका करंट जो है वो कुछ इस किस्म का होता है, ये टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। सो आई एम कंसिडरिंग बेसिकली आइडियल वोल्टेज एंड आइडियल करंट। अच्छा, पीछे अभी पीछे मैंने अभी डिस्कस की थी टर्न ऑन प्रोसेस और टर्न ऑफ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उनको भी रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। जैसे मैंने ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था कि ऑफ स्टेट में क्या होता है कि आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम होती है, करंट ज़ीरो होता है, ठीक है। ऑन स्टेट में क्या होता है कि वोल्टेज ज़ीरो होती है, करंट मैक्सिमम होता है, अगेन वोल्टेज मैक्सिमम है इट्स ऑफ स्टेट एंड करंट ज़ीरो है। सो इफ़ आई एम माई राइट, तो ये मेरी पास जो है ये ऑफ स्टेट है स्विच की, एंड दिस इज़ दी ऑन स्टेट, एंड अगेन दिस इज़ दी ऑफ स्टेट। अगर मैं बात करूँ टर्न ऑन प्रोसेस की, सो यू मूव फ्रॉम ऑफ टू ऑन, दैट इज कॉल्ड ए टर्न ऑन, ठीक है। एंड इफ यू मूव फ्रॉम ऑन टू ऑफ, दैट इज कॉल्ड टर्न ऑफ, ठीक है। तो ये टर्न ऑन प्रोसेस हो गया और ये टर्न ऑफ प्रोसेस हो गया। आइडियल जब हमने स्विच बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि टर्न ऑन टाइम हो या टर्न ऑफ टाइम, दिस शुड बी ज़ीरो। यहाँ पे नज़र आ रहा है भाई इंस्टेंटेनियस स्विचिंग हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ और यहाँ पे देखूँ,
सो इधर अगर मैं देखूं तो आई विल ऑब्जर्व इंस्टेंटेनियस स्विचिंग। स्विचिंग क्या हुई है कि आप ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में गए हैं या ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में गए हैं इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियस मीन्स क्या होता है, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, अगर मैं वैसे बात करूँ जिसमें जीरो टाइम है, यानी ना होने के बराबर कोई वक्त अगर सर्व हुआ है एक प्रोसेस के अंदर, तो हम उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो इन दोनों जगह पे ये हो रहा है। तो ये तो आपने देख लिया कि भाई ये चीज़ जो है आपको नज़र आ गई कि अच्छा यार ये क्या है। अब ये चीज़ें किस तरीके से, जो हमने दो चीज़ें डिफाइन की हैं, एक मैंने चीज़ डिफाइन की है डी वी बाई डी टी और एक चीज़ मैंने डिफाइन की है डी आई बाई डी टी, इन दोनों के साथ ये कैसे रिलेट कर जाती है, ठीक है ना। ये बात बड़ी अहम है क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी एक जो मैंने अभी स्टार्ट किया था तो मैंने इसी चीज़ से किया था कि मैं ये चीज़ें समझाऊंगा ये कैसे इन्फिनिटी। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ टर्न ऑन प्रोसेस की, तो आप वोल्टेज तो को देखें कि वो मैक्सिमम से जो है वो ज़ीरो की तरफ जा रही है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप निकालूँ तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, एंड विद ए नेगेटिव स्लोप कोई भी चेंजिंग क्वांटिटी जो है उसके साथ आपको कोई ख़तरा नहीं होता, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर मैं इधर करंट में देखूँ तो वो ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। अगर मैं इस जगह पे इस पॉइंट पे स्लोप लूँ तो आई विल फाइंड कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है दैट इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ इन्फिनिटी, एंड दैट हैपन्स इन एन आइडियल स्विच। ये एक आइडियल स्विच में हो सकता है, आइडियल, कि आपकी डी आई बाई डी टी जो है वो इनफाइनाइट है, और ये किस वक्त है, टर्न ऑन के वक्त, इट इज़ एट द टर्न ऑन। डी आई डी टी इनफाइनाइट होगी, ये सिर्फ टर्न ऑन के लिए। टर्न ऑफ में आकर आप जाके देखेंगे तो ये तो नेगेटिव होती है, यानी मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जा रही है। यहाँ पे अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज दूंगा तो वो ज़ीरो नेगेटिव होगा, एंड आई डोंट कंसिडर नेगेटिव, कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली अगर मैं टर्न ऑफ में देखूँ तो इसकी वोल्टेज जो है वो ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, जबकि इसका करंट मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ। यहाँ पर तो हमें कोई खत, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बड़ा अहम है आइडियल, अगर हमारे पास है, ये आइडियल के लिए होता है ये सब। तो अगर आइडियल है तो हमारे पास ये केस है। सो इन हेयर इफ आई सी दिस थिंग तो आई विल फाइंड कि आपकी इधर में अगर डी वी बाई डी टी निकालूँ तो वो इनफाइनाइट होगी, एंड दैट विल बी एट टर्न ऑफ। सो डी वी बाई डी टी शुड बी इनफाइनाइट फॉर ए स्विच इफ यू आर डूइंग टू अन। अच्छा अब ये क्या है, ये बेसिकली इम्प्लीकेशंस हैं इंस्टेंटेनियस स्विचिंग की। और आइडियल आइडियल जो स्विच होता है ना वो इंस्टेंटेनियस स्विच होता है, वो इंस्टेंटेनियसली स्विच कर जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट। और इसकी वजह से जो ये इम्प्लाई हमारे ऊपर जो फर्दर कंडीशंस लागू होती हैं वो ये होती हैं कि आइडियल स्विच शुड हैव डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, डी आई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। रियल स्विचेज में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो ये आपने ये चीज़ें बड़ी दोनों अहम चीज़ें हैं आपने अपने जहन में रखनी है। तो ये हमने बात कर ली डी वी बाई डी टी और डी आई बाई डी टी की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती है, जब भी आप कोई डिवाइस बनाते हैं तो उस डिवाइस में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करूँ, तो कोई ना कोई जंक्शन एग्जिस्ट करती होती है। उस जंक्शन से लेके जो डिवाइस की आउटर बॉडी है उसके दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जब हीट कंडक्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो उसको कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है। आइडियली वी वॉन्ट दैट रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम इन ए डिवाइस। अगर मैं स्विच की बात करूँ तो थर्मल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, फ़ौरन वो हीट जो है वो ट्रेवल कर जाए, कोई उसके अंदर जो है रुकावट नहीं होनी चाहिए, थर्मल रेजिस्टेंस शुड बी ज़ीरो। तो ये एक इसका बेसिकली आइडियल का कैपेबिलिटी है। इसी तरीके से एक हमारे पास होती है कैपेबिलिटी फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, फॉल्ट करंट कैपेबिलिटी, इसको आई स्क्वेयर टी रेटिंग भी कहते हैं, आई स्क्वेयर टी रेटिंग।
अब फॉल्ट करंट कैपेबिलिटी क्या कहती है? फॉल्ट करंट कैपेबिलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई फॉल्ट करंट जो है वो आपका स्विच कैरी कर सकता है, इसको इतनी देर कैरी करना पड़ता है कि ऑब्वियसली आपके प्रोटेक्टिव सर्किट्री में कोई फ्यूज़ लगा हुआ होता है वो इंगेज हो जाए। सो दिस टाइम शुड बी इनफ कि आपका फ्यूज़ जो है वो इंगेज हो जाए और वो सर्किट को ओपन सर्किट कर दे, आपका सर्किट प्रोटेक्ट हो जाए। किसी भी वजह से ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर आपके लोड के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई और मेल फंक्शनिंग आ जाती है जिसकी नतीजे में करंट एकदम बहुत ज़्यादा राइज करता है, तो स्विच शुड हैव द कैपेबिलिटी टू कैरी दैट फॉल्ट करंट। दैट कैपेबिलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वायर टी रेटिंग। इट शुड बी एनफ कि आपका फ्यूज़ जो है वो इंगेज हो जाए। जब आपका फ्यूज़ इंगेज हो जाएगा सो इट विल ओपन द सर्किट एंड एज ए रिजल्ट तो जो आपका करंट होगा इट विल बी टर्न टू ज़ीरो। ये बेसिकली जो है फॉल्ट करंट रेटिंग कहलाती है। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो होती है बेसिकली यूज़ होती है जहाँ पे हम स्विचेस को यूज़ करते हैं शेयर करने के लिए, लोड शेयर करते हैं, तो उसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट कहते हैं। ये आइडियल में ही होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट हो, ठीक है। प्रैक्टिकली ये स्विचेस में ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल है और बड़ा मुश्किल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल स्विच की जो हमने देखी। इन्हीं से रिलेटेड जो है हमारे पास आपके पास जो रिस्ट्रिक्टेड स्विच होता है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस। थैंक यू।